नमस्कार, आप देख रहे हैं नदस्तक 24। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार। आज का विषय है उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोटों को पाने के लिए शुरू हो गया है घमासान। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2020 में अभी करीब सवा साल बाकी है, लेकिन सियासी दल अभी से ही राजनीतिक समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सूबे में सभी दलों की नज़र OBC समुदाय के वोट बैंक पर है, जिन्हें साधने के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक अपनी अपनी पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में पिछड़े समुदाय के हाथों में दे रखी है। ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश का OBC समुदाय किस पार्टी पर अपना भरोसा जताता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ा वर्ग की अहम भूमिका रही है। माना जाता रहा है कि करीब 50% यह वोट बैंक जिस भी पार्टी के खाते में गया, सत्ता उसी की हुई। 2017 के विधानसभा और 2014 व 2019 के लोकसभा में BJP को पिछड़ा वर्ग का अच्छा समर्थन मिला। नतीजतन वह केंद्र और राज्य की सत्ता पर मजबूती से काबिज हुई। ऐसे ही 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी OBC समुदाय के दम पर ही सूबे की सत्ता पर काबिज हुई थी, जबकि 2007 में मायावती ने दलित के साथ और अति पिछड़ा दांव खेलकर ही चुनावी जंग फतह की थी। सूबे के सभी सियासी पार्टियों ने पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम अभी से करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसी मुख्य पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जातियों से हैं। BJP के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी जाति से आते हैं, जबकि इसी जाति के नरेशोत्तम को सपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सेंथावर अति पिछड़ी जाति से आते हैं, और ऐसे ही बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर अति पिछड़े समुदाय के राजभर समाज से आते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जाति आधार पर पिछड़ा वोट बैंक का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ी यानी OBC का है। लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का होता है, जो कभी किसी भी पार्टी के साथ स्थायी रूप से खड़ा नहीं रहता। इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी सामूहिक तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में भी वोटिंग नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में OBC समुदाय सूबे के चुनाव में अपना वोट जाति के आधार पर करता रहा है। यही वजह है कि छोटे हों या फिर बड़े दल, सभी की निगाहें इस वोट बैंक पर रहती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक के बाद एक मिलती हार के बाद मायावती ने अपनी चुनावी रणनीति में परिवर्तन किया है। तमाम कोशिशों के बावजूद मुस्लिम वोटर बसपा के पाले में नहीं आ रहे थे। ऐसे में मायावती ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए 52% पिछड़ा वर्ग के वोटरों में अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए राजभर समुदाय से आने वाले भीम राजभर को पार्टी की कमान सौंपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब बात पिछड़े वर्ग की आती है, तो यादव को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियों की सियासत काफ़ी अलग खड़ी नजर आती है। यादव वोटर लंबे समय से ठीक वैसे ही सपा के साथ जुड़े हुए हैं जैसे दलित बसपा का दामन थामे हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने अपने परंपरागत 9% यादव वोट बैंक के साथ पिछड़े समुदाय के आने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी कुर्मी को साधने के लिए नरेशोत्तम को सूबे में पार्टी की कमान दे रखी है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में भी नरेशोत्तम ही पार्टी संभाल रहे थे, लेकिन कुर्मी समुदाय को सपा के पाले में लाने में सफल नहीं हो पाए। गैर यादव OBC उत्तर प्रदेश में काफ़ी निर्णायक भूमिका में है, जिसे BJP हर हाल में साध कर रखना चाहती है। गैर यादव OBC वोट बैंक की बात करें तो दूसरे नंबर पर पटेल और कुर्मी वोट बैंक आता है। BJP ने कुर्मी समुदाय से ही स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, तो साक के मौर्य कुशवाहा सैनी समाज के लिए डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक BJP के साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्मी और मौर्य समाज करीब 13% है। कुर्मी और मौर्य समुदाय को साध कर BJP ने 2017 का चुनाव जीता था। जातिगत आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में कुर्मी और पटेल वोट बैंक में 6 से 12% तक आता है, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौसाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले प्रमुख हैं। वहीं OBC की साक के मौर्य कुशवाहा मौर्य जातियाँ 13 जिलों को वोट बैंक में अगर देखें तो 7 से 10% हैं। इन जिलों में फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हरदोई, फरकाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर आते हैं। OBC में एक बड़ा वोट बैंक लोध जाति का भी है। BJP का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश के 23 जनपदों में लोध वोटरों का दबदबा रहा है, जिनमें रामपुर, ज्योतिबा फूले नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, महामाया नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, शाहजहाँपुर, हरदोई, फरकाबाद, इटावा और औरैया, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, महुआ जैसे जिले शामिल हैं, जहां लोध वोट बैंक 5 से 10% तक है।
वहीं मल्ला समुदाय में भी करीब 6% है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित जनपदों में हैं। इनके अलावा ओबीसी वोट बैंक में करीब 150 और जातियां आती हैं, जिन्हें अब पिछड़ों की श्रेणी में रखा जा रहा है। इन्हें साधने की कवायद में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस ने इसलिए अति पिछड़ी समुदाय से आने वाले अजय कुमार लल्लू को पार्टी की कमान सौंप रखी है, जिनका पूरा जोर अति पिछड़ी वोट बैंक पर कांग्रेस के पाले में लाने का है। ऐसे में देखना है कि सूबे में ओबीसी समुदाय किस पर इस बार चुनाव में भरोसा जताता है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। विस्तार से खबरों का सिलसिला पढ़ने के लिए वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।